भाजपाई जब इन पर बलात्कार का, इन पर मॉब लिंचिंग का, दंगे का, दलित की हत्या का, ये सब कोई मामलों में फंसते हैं, इनका वोटर गोलबंद हो जाता है। दुख और अफसोस की बात है, जो देश के संविधान का, लोकतंत्र का, भाईचारे का, महिलाओं का, किसान का, युवाओं का, बेरोजगारों का सम्मान करता है, वो वोटर एकजुट नहीं होता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा? मैं एक मिनट पहले स्वर सुनो, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हुआ, इनका 1% वोट कम नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं इनका वोटर इकट्ठा होता है, वो इकट्ठे हो सकते हैं, जब वो वोट डालने के लिए माँ बहने उनके घर में भी है, बेटियां उनके घर में भी है। आप समझ लो कि जब यौन शोषण के मुक्ति की, इनके इतिहास देखो आप, राम मंदिर की अगुवाई करने वाला नेता चिन्मयानंद नंगा होकर के अपने कॉलेज की बेटियों से मालिश करवाते, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, उस पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा मुकदमा दर्ज करने के लिए। उत्तर प्रदेश में इनका एक विधायक है कुलदीप सेंगर, उसने अपनी चचेरी बहन का बलात्कार किया, उस बेटी को मुकदमा दर्ज कराने के लिए योगी के आवास के बाहर आत्मदाह करने के लिए विवश होना पड़ा, उसके पिता की हत्या कर दी गई, उसके चाचा को जेल में डलवा दिया गया, उसकी मौसी और उसकी चाची की हत्या करा दी, वो और उसका वकील मरणासन है। ये बेटियां ओलंपिक पदक विजेता, इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाके मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। इनके यहाँ नारी के लिए सम्मान स्थान है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम इनके समर्थकों को भी सोचना चाहिए, बेटियां तुम्हारे घर में भी है, माँ बहने तुम्हारे घर में भी है, पर मेरी चिंता एक और भी है। जब देश के लिए ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, देश का तिरंगा पूरी दुनिया में शान से फहराने वाली बेटियों के यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और मुकदमा दर्ज होने पर वो जेल न जाता हो, तब देश की करोड़ों परिवार जो दलितों के हैं, करोड़ों जो आदिवासियों के हैं, करोड़ों परिवार जो मछुआरों के हैं, करोड़ों परिवार जो किसानों के हैं, करोड़ों परिवार जो भूमिहीनों के हैं, करोड़ों परिवार जो अल्पसंख्यकों के, गरीबों के हैं, उनको सोचना पड़ेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ति रमन्ति तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, यानी कि संस्कार और संस्कृति के लिए जाने जाने वाला भारत देश आज किस मोड़ पर आ गया, ये सवाल उठता है। क्योंकि महज एक महीने से लगातार जो महिला खिलाड़ी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग कर रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है, केंद्र की सरकार चुप्पी नहीं तोड़ती है, तो केंद्र की सरकार चाहती क्या है, ये सवाल है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक समीता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। हमारे साथ भूपेंद्र रावत है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह की चुप्पी का मकसद क्या है, ये चुप्पी क्यों है? ये चुप्पी मजबूरी है अमित शाह नरेंद्र मोदी की, बड़ा लाउड। हाँ, ये बहुत, मैं इसलिए कह रहा हूँ चुप्पी मजबूरी के कारण बताता हूँ। जब ये 18 जनवरी को बेटियाँ आई थी तो यौन शोषण के आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह ने 20 जनवरी को चैलेंज किया, अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। वो कौन सी सुनामी आने वाली थी? और फिर ये जब दोबारा आई 21 तारीख को कनॉट प्लेस में, जब मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत की गई, कानून ये कहता है कि यौन शोषण के लिखित शिकायत पीड़ित किसी भी थाने में दे सकती है, एफ आई आर में तब्दील होगा, नहीं तब्दील किया गया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने इसको गैर गंभीरता से सुना। मैं ये इसलिए कहूँगा कि यौन शोषण के आरोप की शिकायत पर एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मी को दंडित करना था, कानून ये कहता है। आपने नई परंपरा शुरू कर दी, 7 पीड़िताओं की शिकायत है और 2 ही एफआईआर दर्ज हुई है 28 तारीख के आदेश पर, 5 एफआईआर कहाँ चली गई? ये 7 बेटियों की यह शिकायत नहीं है कि एक कमरे में ब्रजभूषण शरण सिंह ने 7 का यौन शोषण किया। जो जांच अधिकारी बैठे DCP साहिबा के साथ में 10 महिलाओं की टीम है पुलिसकर्मियों की, वो देश के अलग अलग हिस्सों में जांच पड़ताल इसलिए कर रही है क्योंकि अलग अलग जगह बताई गई। भय क्या है, क्या कारण है? जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगा, तो नरेंद्र मोदी अमित शाह मुंह नहीं खोल पाए। क्या कारण है, कानून क्या कहता है? ऋतिक, कानून ये कहता है कि यौन शोषण पीड़िता जिस थाने में जाएगी उसका मुकदमा दर्ज होगा, शिकायत लिखी जाएगी, वो लिखी शिकायत दे तो एफआईआर में तब्दील होगी, और लिखना ना आए तो जो बोलेगी वो एफआईआर दर्ज की जाएगी, कानून ये कहता है। हमारे देश में 2013 का मैं जिक्र करूँ, एक वीडियो आप सब लोगों को देखना चाहे, बड़ा रोचक वीडियो है, उसमें नरेंद्र मोदी आसाराम से कह रहे हैं, संत आसाराम है इनका,
कि अगर बापू नहीं होते तो मैं गुमनाम मर जाता। और वो आसाराम अपने ही भक्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार का आरोपी, अगस्त 2013 का जिक्र कर रहा हूँ, उस बेटी ने कोई मेडल नहीं लिया था, उसके पिता को कोई नहीं जानता, वो थाने गए, पुलिस थाने, और मुकदमा दर्ज हुआ और आज आसाराम बलात्कार के मामले में सजा भुगत रहा है। कानून वही है जो तब था और अब कानून वही है। पहले शिकायत दर्ज कराने जाओ तो एफआईआर में तब्दीली होती, सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाओ, 7 पीड़ितों की बात करो तो 2 मुकदमे दर्ज होते हैं। कानून कहता है 67,000 मामले हैं अभी तक विचाराधीन पास्को के, और उसमें मुकदमा दर्ज होने पर गिरफ्तारी होती है, यहाँ गिरफ्तारी नहीं होती है। जब कानून की बात करते हो, कानून पर सवाल खड़े होते हैं, तो ये माना जाता है कि भारत देश में या किसी भी देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्यों? क्योंकि कानून सर्वोपरि है, कानून पर सबको विश्वास होता है, लेकिन आज देखा जाए तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो है FIR दर्ज होती है, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं होती है, तो क्या ये दबाव है, बीजेपी का दबाव है पुलिस पर? मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा दोषी मेरी दृष्टि से हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ है। उन्होंने इस पूरे मामले को धृतराष्ट्र की भूमिका से सुना। अगर उन्होंने 21 तारीख को यौन शोषण की शिकायत को FIR में तब्दील न करने वाले कनॉट प्लेस के पुलिसकर्मियों को दंडित कर दिया होता तो अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाप की ताकत नहीं थी ब्रजभूषण को बाहर रखते, मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी उठाकर जेल में डाल चुका होता। लेकिन हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने गैर गंभीरता से सुना। अब आरोप और प्रत्यारोप पर बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब जो ये आंदोलन है वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। ये कहा जा रहा है कि इसको राजनीति में तब्दील कर दिया गया है, 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या ये सही है? मतलब तुम्हारा ये कहने का है क्या, जो ये आरोप लगा रहे हैं, अब जो छोड़ दो, जनवरी 2023 में जब 18 जनवरी को पहलवान धरने पर आए थे तो भाजपा की नेता पहलवान बबीता फोगाट इन किसानों इन पहलवानों के साथ थी, और जो कमेटी बनाई गई मंत्रालय की तरफ से, उस कमेटी के सदस्य है इनकी तरफ से, और अब वो कह रही है कि ये राजनीति कर रही है। जो आरोप यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण लगा रहा उससे भी खतरनाक आरोप बबीता फोगाट लगा रही है, ये ताकत है भाजपा की, इन्होंने तो घर में फूट डाल दी है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये आरोप कैसे लगा? उस कहा कि साहब ये प्रियंका गांधी वाड्रा के गले लगी है विनेश फोगाट। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ बबीता फोगाट को, बबीता जी आपकी पार्टी की सरकार है और स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री है, आप महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर यहाँ पहुंचो और वो समर्थन करे और विनेश फोगाट को गले लगाए और साक्षी मलिक को गले लगाकर ये उनके गले नहीं लगेगी, स्मृति ईरानी के गले ये नहीं लगेंगे, तो मैं कहूंगा हाँ ये सच में राजनीति कर रहे हैं। यानी कि वही बात है, सुनिए तो हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सरकार बबीता, तुम्हारी पार्टी का जो सांसद है भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, वही यौन शोषण करने वाला, तुम्हारी जो मंत्री है बाल विकास मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, वो मौन लगाने वाली, हमारे तुम्हारा ही सरकार है पार्टी मुख्यमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी अंतिकी करने वाले। तो मोदी ने तो कहा था विनेश फोगाट मेरे परिवार की सदस्य है, इस चैलेंज क्या था? हम आपके माध्यम से कह रहे हैं मोदी जी, आपके परिवार की बेटी विनेश फोगाट आपके ही परिवार के सांसद, आपने परिवार की बात की है। एक सवाल, एक आरोप और भी लग रहा है, आरोप भी लग रहा है कि जो महिला खिलाड़ी हैं वो एक ही परिवार से हैं, क्योंकि हरियाणा में तमाम खिलाड़ी और भी हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये अपने यहाँ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बता, जब अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे ये कोई वोटर है क्या, उसमें इन्होंने वोट देनी है क्या? इन लड़कियों का भविष्य भी खत्म कर रहा है। देखिए आरोप पर कितने आरोप है, पहला आरोप लगाया कि ये पैसा लेकर बैठी है। मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कहना चाहता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह ये आरोप लगा रहे हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह अपने परिवार किसी महिला को झूठा आरोप लगाने के लिए बिठाएं, यौन शोषण का आरोप लगाने के लिए, हम देश भर से चंदा इकट्ठा करके झोली भर देंगे उनकी, उसमें भी ये तैयार नहीं है। इन बेटियों ने कहा हम अपने एक एक आरोप के लिए नार्को टेस्ट करने के तैयार हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहा मैं निर्दोष हूँ तो कहें कि मैं निर्दोष हूँ, मैं इसके लिए नार्को टेस्ट कराने के तैयार हूँ। फिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा मैंने खेल के नियम बदल दिए,
ये इसलिए है। घमंड है क्या? हाँ, सुनो एक मिनट, घमंड है? आरोप पर आरोप। फिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा? ये मेरे खिलाफ नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ है। अरे ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप है मोदी सरकार पर तो नहीं, पर मोदी सरकार का मौन समर्थन है। जब कहा था जनवरी में 20 जनवरी को सुनामी आ जाएगा तो मौन समर्थन, उसका विरोध नहीं किया। जब कहा और कि भाई ये मेरे खिलाफ नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ है, तो मौन समर्थन है। हम एक बात बता दें, अगर मोदी सरकार की इच्छा ना हो तो अभी भी जांच अधिकारी डीसीपी साहबा बात करते हैं, हम आप बात कर रहे हैं, वो उठाकर ब्रजभूषण को जेल में डाल देगी। कानून क्या कहता है पास्को का? आरोपी अगर बाहर रहेगा सबूत खत्म कर देगा, बिल्कुल, और वो गवाहों को धमकाएगा डांटेगा। हम कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ऐलान कर चुका है, कह रहा है मैं जब चाहूं इनसे ज्यादा लोगों को लेके आ जाऊंगा। अभी बात की शक्ति प्रदर्शन कर लेते हैं। 5 जून को अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन होने वाला है जिसमें साधु संतों को जोड़ा जाएगा और ये कहा जाएगा कि उसमें लाखों की संख्या में जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए समर्थन में उतरेंगे। तो क्या ये ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक आंदोलन खड़ा कर रहा है? देखिए आपको बताता हूँ, जो इनका गुरु है आसाराम, उसके समर्थन में यहाँ हजारों लोग धरना दे रहे जंतर मंतर पे, वो बलात्कार के मामले में। राम रहीम ने तो लाठी और गोलियां चलाई, हत्या करवा दी, वो बलात्कारी जेल में। अलग बात है कि भाजपा को चुनाव जिताने के लिए बाहर आता है। एक बात मैं आपके माध्यम से रीति कहना चाहता हूँ, ये बेटियाँ धरना दे रही हैं, इसके बीच में चुनाव पड़ा, वोट 10 मई को पोलिंग हुआ, 1% वोट भी कर्नाटक का कम नहीं हुआ। भाजपा ही जब इन पर बलात्कार का, इन पर मॉब लिंचिंग का, दंगे का, दलित की हत्या का, ये सब कोई मामलों में फंसते हैं, इनका वोटर गोलबंद हो जाता है। दुख और अफसोस की बात है, जो देश के संविधान का, लोकतंत्र का, भाईचारे का, महिलाओं का, किसान का, युवाओं का, बेरोजगारों का सम्मान करता है, वो वोटर एकजुट नहीं होता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा? मैं एक मिनट पहले स्वर सुनो, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हुआ, इनका 1% वोट कम नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं इनका वोटर इकट्ठा होता है, वो इकट्ठे हो सकते हैं। जब वो वोट डालने के लिए, माँ बहने उनके घर में भी है, बेटियां उनके घर में भी है। आप समझ लो कि जब यौन शोषण के मुक्ति की, इनके इतिहास देखो आप, राम मंदिर की अगुवाई करने वाला नेता चिन्मयानंद नंगा होकर के अपने कॉलेज की बेटियों से मालिश करवाते, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। उस पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा मुकदमा दर्ज करने के लिए। उत्तर प्रदेश में इनका एक विधायक है कुलदीप सेंगर, उसने अपनी चचेरी बहन का बलात्कार किया, उस बेटी को मुकदमा दर्ज कराने के लिए योगी के आवास के बाहर आत्मदाह करने के लिए विवश होना पड़ा। उसके पिता की हत्या कर दी गई, उसके चाचा को जेल में डलवा दिया गया, उसकी मौसी और उसकी चाची की हत्या करा दी, वो और उसका वकील मरणासन है। ये बेटियां ओलंपिक पदक विजेता, इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाके मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। इनके यहाँ नारी के लिए सम्मान स्थान है। मैं ये बात से कह रहा हूँ, कम से कम इनके समर्थकों को भी सोचना चाहिए, बेटियां तुम्हारे घर में भी है, माँ बहने तुम्हारे घर में भी है। पर मेरी चिंता एक और भी है, जब देश के लिए ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, देश का तिरंगा पूरी दुनिया में शान से फहराने वाली बेटियों के यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, और मुकदमा दर्ज होने पर वो जेल न जाता हो, तब देश की करोड़ों परिवार जो दलितों के हैं, करोड़ों जो आदिवासियों के हैं, करोड़ों परिवार जो मछुआरों के, करोड़ों परिवार जो किसानों के, करोड़ों परिवार जो भूमिहीनों के, करोड़ों परिवार जो अल्पसंख्यकों के, गरीबों के हैं, उनको सोचना पड़ेगा। उनकी बेटियों के साथ यौन शोषण होगा इनके राज में, तो कहाँ कपिल सिब्बल जैसे वकील मिलेंगे? जंतर मंतर में कैसे आएंगे? सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे? मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं? और गिरफ्तार होंगे कि नहीं? व्यवस्था वो ही चाहिए थी, चाहे आसाराम जैसा जिसकी चौखट पर नरेंद्र मोदी मत्था टेकता था, वो जेल में सजा भुगत रहा है बलात्कार के आरोप में, और आज ये छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है जिसने यौन शोषण के मामले में मुकदमे दर्ज है। तब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उन सब लोगों के लिए सबक है, मैं अपील करता हूँ जो इनके भक्ति में आ रहे हैं, इनके बहकाव में आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जनवरी तक लटकाएंगे ये जनवरी में बोलने वाले हैं ऋतिक कि कोई बात नहीं है, देश की बेटियों का यौन शोषण किया, पर ये मंदिर बनवाने वाला था कार्यकर्ता। चिन्मयानंद ने अगर नंगी धगन होके जेल मालिश करवाई तो ये मंदिर बनवाने वाला था। तो देश को तय करना है
कि मंदिरों के बनाने मंदिर बनाने के नाम पर देश की बेटियों का यौन शोषण बलात्कारियों को तुम सत्ता में देखना चाहते हो कि नहीं, या जेल में देखना चाहते हो, तुमको तय करना है। क्योंकि इसी को कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। कहा जाता है कि जो स्त्री का दर्द नहीं समझते हम उन्हें मर्द नहीं समझते, लेकिन अब मर्द कहाँ है ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार देखा जाए एक महीना हो चुका है और लगातार विनेश फोगाट की बात कर लो, साक्षी मलिक की बात कर लो, तमाम महिला खिलाड़ियों की बात कर लो, उनका यहाँ पर बैठना ये निंदा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो एक सेलिब्रिटी खिलाड़ी है और खिलाड़ियों के जब सम्मान की बात आती है तो पूरा देश उमड़ जाता है। विपक्ष की पार्टियां आ चुकी हैं, यहाँ पर देखा जाए तो खाप पंचायत आ चुकी है, किसान आ चुके, विपक्षी नेता के साथ साथ तमाम जनता हर एक राज्य से पहुंच रही है। बहुत खूब भूपेंद्र जी ने यह बात रखी है, पूरे सबूतों के साथ बताया कि आखिर क्या कुछ हुआ था, इतिहास खोल दिया। लेकिन अब देखना यह पड़ेगा इस इतिहास का प्रभाव क्या केंद्र सरकार पर पड़ेगा। क्या सच में एक और बताता हूं, जब ये मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब महिलाओं के मामले को संविधान के मुताबिक सुना जाता था, इसलिए आसाराम जेल में है। अभी हमारे देश महिला के मामले में संविधान की बजाय देश संघ के विधान से चलाया जा रहा है, इसलिए अनदेखी हो रही है एक एक मामले में। मैं उससे पहले जिक्र करूं आपको कि हमारे देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ को कलंकित करने के लिए इन देश के गद्दारों ने जिसकी 3.5 साल की बेटी की हत्या कर दी गई थी, वो गर्भवती, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके परिवार में उसकी माँ और महिला के साथ बलात्कार हुआ, 14 लोगों की हत्या कर दी गई, उसके बलात्कारी दंगाई हत्यारों को आजादी के 75वें वर्षगांठ पर तुमने रिया करके हमारे देश की आजादी के पर्व को कलंकित किया है। ये मैं बिल्किस बानो का जिक्र कर रहा हूँ, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत बहुत हैरानगी है। मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्य छीनने के लिए छुट्टी में छीना गया और बहाली के लिए छुट्टी के बाद फैसला, मुझे तो लगता है अदालतों को भी अभी संघ के विधान से जो पेगासस जैसा ताकतवर जासूसी सॉफ्टवेयर है उसकी ताकत और मदद से संचालित किया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कह दी है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विपक्ष की पार्टियां भी ये बात कह रही है कि उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि संसद से लेकर सड़क और सड़क से लेकर संसद तक जब हम प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं तो दिल्ली पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए ईडी सीबीआई की बात कर लो, तमाम लोगों की बात कर लो, हर कुछ दबाव में है। लेकिन अब देखना यह पड़ेगा कि भारत देश का लोकतंत्र सुरक्षित कैसे रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र अगर खतरे में है तो समझ लो पूरे देश खतरे में। अब देखना यह पड़ेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार कैसे होंगे और विनेश फोगाट साक्षी मलिक किन सबूतों को पेश करेंगे, क्या एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना मतलब है अंतिम दरवाजे तक पहुंच जाना। न्याय के मंदिर में कैसे न्याय मिलेगा ये वक्त तय करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही।